आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं मानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को तूफान का गाना नहीं सुना रहा हूँ। तो आज कोई मार्केट व्लॉग नहीं, कोई कहीं का व्लॉग नहीं, आज बहुत ही एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जगह चलेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये क्या होगा, ये होगा जादू का शो। ओपी शर्मा जी का चल रहा है इस वक्त फरीदाबाद में। बेसिकली 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 26 जनवरी तक चलेगा दशहरा ग्राउंड फरीदाबाद में। तो किसी को अगर नहीं पता हो तो गूगल मैप का जो लिंक है वो चेकआउट करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे भी टिकट काउंटर पे आप ले सकते हैं और अगर आप चाहिए तो बुक माई शो से भी आप बुक कर सकते हैं इस टिकट को। तो दोस्तों आज हम आए हैं जादू देखने के लिए। ओपी शर्मा जी का जादू है ये, लग रहा है अभी दशहरा ग्राउंड फरीदाबाद में। तो चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं इस जादू को। तो ये दोस्तों टिकट काउंटर, टिकट चार्जेस देख सकते हैं आप लोग। और दिन के 3 शो चलते हैं, 1 बजे, 3:45 और 6:30। और यहाँ पे बेसिकली पार्किंग है, 2 व्हीलर पार्किंग भी है इधर। और ये देख सकते हैं आप लोग बोर्ड। और इधर 4 व्हीलर पार्किंग भी दे रखी है। ये मेरा टिकट है, ठीक है। और ऐसे इसकी एंट्री होगी। यहाँ पे कुछ काउंटर्स वगैरह भी लगे हुए हैं और अंदर जाओ चल रहा है। मैं थोड़ा 15-20 मिनट लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं। ये है इसकी एंट्री का गेट। स्टैचू की हाइट ज्यादा है। जब पर्दा ऊपर है हमें नीचे से स्टैचू दिखाई दे रहा है, और जब पर्दा नीचे है तो ऊपर से स्टैचू दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि इस पर्दे से स्टैचू को पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता। जनरली मेडिशियंस यही कहते हैं कि किसी भी चीज को गायब करने के लिए पहले उसे एक पर्दे से ढकते हैं, फिर वो पर्दा उठाते हैं, वो चीज गायब हो जाती। लेकिन आज हमारे पास तो ये मौका भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पर्दा है वो इस स्टैचू से छोटा है, इसलिए हमें इसे आपकी नजरों के सामने ही गायब करना होगा। तो प्लीज पर्दे को वापस नीचे लाया जाए। आप लोग जो स्टैचू देख रहे हैं, इसे बनाने के लिए पहले हमने स्टील का जाल बनाया, फिर सीमेंट कंक्रीट से पूरा ठोस और मजबूत किया गया, फिर बाहरी फिनिशिंग यानी खूबसूरती देने के लिए इसमें फाइबर का इस्तेमाल हुआ। फिर जो स्टैचू तैयार हुआ उसका वजन 530 यानी 530 किलो। ऐसे आज हम आपकी नजरों के सामने ही गायब करेंगे। नाउ यू सी वेनिसिंग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन स्लो मोशन मोशन।
मैं घर आ गया था दोस्तों और काफी मजा आया जादू देख करके। अलग अलग तरह के मैजिक, तरह तरह के मैजिक इन्होंने दिखाया और एक से एक बहुत ही जबरदस्त और आक्रामक। और एक बात इनके मैजिक की सबसे अच्छी है कि इनकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। कोई भी मैजिक दिखाने में या मैजिक को चेंज करने में एक सेकंड की भी देरी नहीं लगती है और बहुत अमेजिंग टाइमिंग है हर चीज की, हर इवेंट की। तो मैं ज्यादा आप लोगों को मैजिक ट्रिक्स वगैरह दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं जब भी कैमरा वहाँ पे ऑन कर रहा था हमेशा उनके गार्ड आ जा रहे थे और वो कैमरा बंद करवा दे रहे थे क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने वो देते नहीं है। तो जहां तक पॉसिबल हो पाया है मैंने ये रिकॉर्डिंग की है सिर्फ आप लोगों के लिए, चोरी छुपे जैसे भी किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो दिन में इनके 3 शो चलते हैं, एक चलता है 1 बजे, एक चलता है 3:45 पे और एक है 6:30 पे। तो मैं 6:30 बजे वाला शो देखने गया था और छूटते छूटते 9 बजी गया वहां पर, एक बीच में इंटरवल भी होता है छोटा सा, तो टाइम था। मैंने कहा कटिंग भी करा लें तो भाई ने कटिंग भी करा ली है, देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा होगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो मेरी शो चल रहा है ये भी लगा हुआ है फरीदाबाद में, उसके बाद कोई और सिटी में होगा, तो आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे भी और बुक माई शो पे भी। तो ये मैजिक का शो देखने के लिए मैं पहली बार गया था दोस्तों और वाकई में बताऊं मजा आ गया मैजिक का शो देख करके। जितना भी पैसा लगा टोटली वर्थ है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि पैसे बेकार हो गए, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैजिक का इंद्रजाल है ये सिर्फ 26 जनवरी तक ही वहां पे लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फटाफट जाएं और जादू देख करके आएं। और रियल में तो जो देखने का आनंद है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, उसको वीडियो में बताया नहीं जा सकता। तो उम्मीद करता हूं ये जो जादू का शो है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, एक लाइक तो दबा के जाना ही जाना है, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे रेड कलर का बटन होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको दबा दो, तोड़ दो। और उसके बगल में एक घंटे का ऑप्शन होता है टन करके, उसको दबा दो। तो उससे फायदा क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रह करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।